हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में रियलिस्टिक आई का ये ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको रियल टाइमिंग व्यू दूंगा। आपको इस वीडियो में मैं जो जो आइटम यूज़ करने वाला हूँ वो सब आप देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो रियल टाइमिंग होने वाली है। मैं इसको फास्ट नहीं किया हूँ और ये 70 मिनट की है। विथ इन 70 मिनट मैंने इसे कंप्लीट किया है, वो भी हेल्प लेके चारकोल से, जो कि चारकोल काफ़ी अच्छा होता है कुछ हाईलाइट करने के लिए, हेयर के लिए, आइज के लिए। आप बना सकते हो ईजिली काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक स्केच। गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप आउटलाइनिंग ये ग्रेफाइट पेंसिल का यूज कीजिएगा, जो कि HB यूज कर सकते हैं या 4H का कोई भी ग्रेड की यूज कर सकते हैं, बट आप चारकोल पेंसिल नहीं यूज कीजिएगा, क्योंकि चारकोल पेंसिल एक बार चल जाता है वो परमानेंट पेंसिल हो जाता है। लाइक परमानेंट पेंसिल के जैसे वो वर्क करता है, जहाँ एक बार चल गया उसके वजह से आप इरेजर से जितना भी इरेज कर लो फिर भी वहाँ पे वो धब्बे होते हैं उसके। सो गाइज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ग्रेफाइट पेंसिल का यूज कीजिए, क्योंकि अगर गलतियाँ होंगी तो आप उसको इरेज करके इसलिए आप चेंज कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे चारकोल का ही यूज किया, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी लंबे टाइम के बाद। हमको लगता है 3 साल एफ ऑफ हो गए होंगे मुझे फिगर बनाते हुए, सो गलतियाँ कम ही होंगी। सो गाइज, यहाँ पे सिंपली आपको चारकोल पेंसिल को राउंड राउंड 1x1 लेयर लगाते जाना है जब तक कि वो डार्क मत हो जाए। सो यहाँ पे हम लोग उसके आउटलाइनिंग के जो राउंड में आई होती है उसके आउटलाइनिंग में एकदम डार्क करना है, जैसे कि मैं डार्क कर रहा हूँ। 3-4 बार लेयर लगाना है जब तक नहीं वो डार्क हो जाए। डार्क हो जाएगा उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा उसको। सो गाइज, अब मैं इसमें स्ट्रोक लगाने वाला हूँ, जो कि तो जो स्मॉल मैंने छोटा सा पीपल जो होती है उसको मैंने डार्क किया, उससे ये आउटलाइनिंग जो इसकी राउंड वाली है जो डार्क मैंने कर लिया सर्किल की उसमें मिलाऊंगा कि वो लगे हाँ एकदम हाइपर रियलिस्टिक बने वो पीपल। पहले तो आप राउंड में वो उसको 2-3 लेयर लगा लीजिए, उसके बाद से कीजिएगा। मैं अब सिंपली इसको स्ट्रोक कर रहा हूँ, वो आपको लाइट रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा ना, इसकी वजह से आप लाइट इसको चलाइएगा। हम यहाँ से इसको लगाएंगे, सेम कंडीशन होगी, सेम जैसे कि हमने उसमें लगाया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे, दोनों को एक दूसरे से मैच करवा देंगे। बट यहाँ पे हम लोग ज़्यादा लाइनिंग नहीं चलाएंगे कि वो एकदम डार्क हो जाएगी तो पता कुछ चलेगा नहीं, इसकी वजह से हम लोग बीच में डिस्टेंस छोड़ते जाएँ एक दूसरे के बीच में दोनों लाइनिंग के। ये फाइनल हो गया है, अब जहाँ आपको कम ज़्यादा लगे उसके हिसाब से आप चारकोल पेंसिल अपना यूज कीजिएगा। उसके बाद से ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पे हम यूज करने वाले ब्रशेस का,
जो कि आपके पास के स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल होते हैं। आपको सिंपली वहाँ से आपको पेंट ब्रशेस के नाम से आप मांगो तो आपको मिल जाएंगे। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं, चीप आते हैं, 20 से 25 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि ये कुछ ज़्यादा ही स्मूथनेस लाता है। कोई भी आप ब्लेंड करेंगे सबसे ज़्यादा स्मूथनेस आपको ब्रशेस में ही मिलते हैं, इसलिए ब्लेंडिंग के लिए हम लोग ब्रशेस स्मूथनेस के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। तो गाइस ब्लेंडिंग हो गई है ब्रशेस का। अब हम लोग हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैंने पेंसिल इरेजर का यूज किया। आप टम्बो मोनो इरेजर भी यूज कर सकते हो या फिर आप टम्बो मोनो इरेजर बना भी सकते हो घर पे ही। सिंपली वो सिंपल वाले 2-3 रुपए वाले जो इरेजर आते हैं उसकी हेल्प से आप टम्बो मोनो बना सकते हो। सो गाइस यहाँ पे हम लोग हाईलाइट करने के जैसे जैसे स्ट्रोक मैंने लगाए थे पेंसिल से, सेम वैसे यहाँ पे हम लोग इरेजर से लगाएंगे, जो कि पेंसिल इरेजर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कर लेना यार। 70 से 80 मिनट मैंने ये अपलोड करने में, पहली बार मेरा नेट नहीं चलता फिर भी मैंने रात को अपलोड किया था, शेड्यूल लगाओ के। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में दिया हुआ बेल आइकन उसको दबा देना यार। थैंक यू। देखते रहो, सीखते रहो, डू प्रैक्टिस। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लेंडिंग के लिए ब्रशेस का ही यूज किया है। यहाँ पे भी मैंने ब्लेंडिंग स्टंप नहीं यूज किया। सो गाइस सिंपली आप ब्लेंड कर सकते हो खुद, या ज़्यादा आपको उसमें जो वर्क आपने किया उसमें ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और यहाँ पे मैंने कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, बट इसको हम लोग करने के लिए यहाँ पे लाइट पेंसिल का यूज करेंगे। सो मैंने यहाँ पे नटराज की पेंसिल यूज कर ली है जो कि मेरे पास थी, अवेलेबल थी, तो मैंने इसी को यूज कर लिया। इसके बाद से आप फिर से ब्लेंडिंग के लिए इसके ऊपर ब्रशेस का यूज कीजिएगा। We'll be right back.
तो गाइस अब फाइनली आ गई आईब्रो बनाने की, तो मैंने फिर से चारकोल पेंसिल उठा लिया हथियार के रूप में और फिर से मैंने स्ट्रोक लगाने लगे। फ्री हैंड है यहाँ पे आपको यूज करना है, सिंपली आपको फ्री हैंड यूज करके आपको स्ट्रोक लगाना है आईब्रो की। सेम जैसे आईब्रो निकली होती है वैसे ही आपको स्ट्रोक खींचना है। अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो ड्राइंग को आपको छुपाने के लिए कुछ आइडियाज लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया तो उसको मैंने छुपाने के लिए अलग अलग आइडियाज यूज किए हैं जो कि आपको पता नहीं चलेगा। अगर पता चल गया तो कोई बात नहीं, बट कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा, वैसे मैंने इसको छुपाने के लिए किया। सो गाइस अब बात आ गई हाईलाइट करने की, तो हाईलाइट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, वाइट जेल पेन जो कि अलग अलग ब्रांड की अवेलेबल होती हैं, पास के स्टेशनरी पे भी आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, ये दोनों पे अवेलेबल होते हैं। सो आज सिंपली आपको हाईलाइट करने के लिए वन बाई वन लेयर लगाना। We'll be right back.
सो गाइस ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है रियलिस्टिक आई, जो कि मैंने 70 मिनट या 80 मिनट के आसपास में मैंने कंप्लीट किया है इसको, जो कि आप सिंपली आप इजली एंड सिंपली आप सीख सकते हो। अब जहाँ पे आपको कम ज़्यादा लगे कहीं भी, पहले वहाँ का एरिया आप क्लीन कर लो। जैसे कि मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ा क्योंकि हाईलाइट यहाँ पे कम थी, इसकी वजह से मैंने इरेजर पेंसिल का यूज किया।